Hello everyone, today's topic is scenery and I will show you how to draw and color watercolor scenery. So pehle hum ek rough sketch karenge. Now we draw one rough sketch with light pencil. One boat, okay. Now wet the entire area with clean water like this. Now add blue color and spread like this. बहुत light blue color का आप use करेंगे. Same water के लिए भी हम same step follow करेंगे. ये पूरे area को clean water से हम wet करेंगे. Then हम ब्लू कलर यूज करेंगे फॉर वाटर. नेक्स्ट स्टेप हम ग्रास ड्रॉ करेंगे. पहले बेस में हम लाइट ग्रीन कलर का यूज करेंगे. बेस कलर आपको लाइट रखना है. देन हम उस पर डार्क कलर से शेड देंगे. तो मैं लाइट ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ. वाटर कलर में आपको वाटर का ज्यादा यूज करना है. ग्रास में भी हम सेम लाइट ग्रीन कलर करेंगे. पहले ओके. देन ट्रीज के लिए हम येलो कलर का यूज करेंगे. इसे स्प्रेड करेंगे आप ऐसे. थोड़ा ओवल शेप देना है आपको ट्रीज का. आउटर शेप थोड़ी ओवल रहेगी. एंड ऑरेंज कलर का यूज करेंगे. ऑरेंज एंड पिंक हम थोड़ा शेड देंगे इसमें डार्क करने के लिए. लिटिल बिट पिंक कलर का भी यूज कर लेंगे.
लाइट ग्रीन के पैचेस भी हम डालेंगे, लाइट ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ओके, देन ट्री वाला एरिया हम ड्राई होने देंगे। ग्रास को कंप्लीट करते हैं, डार्कर शेड देते हैं, डार्क ग्रीन कलर का यूज करते हैं और ग्रास करते हैं। ग्रास को आप ऐसे पैचेस लगाएंगे, जैसे ग्रास होती है साइड में, थोड़ा पर्शियन ब्लू का यूज करेंगे डार्क करने के लिए। हम पर्शियन ब्लू, मैं यहाँ पर पर्शियन ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। पर्शियन ब्लू जब आप ग्रीन में मिक्स करेंगे तो वो डार्क ग्रीन का शेड देगा, तो आप पर्शियन ब्लू कर सकते हैं मिक्स। सेम हम यहाँ पे भी थोड़ा पर्शियन ब्लू ऐड करेंगे। ट्रीज एंड ग्रास है, इसकी शेडो आपको वाटर में नजर आएगी, तो हम पहले थोड़ा येलो कर देते हैं, एरिया लाइट येलो। बहुत लाइट कलर यूज करना है आपको येलो का, क्योंकि आपके ट्रीज की शेडो है वो वाटर में नजर आएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा लाइट येलो करना है। ग्रास की शैडो के लिए आप ऐसे कलर स्प्रेड करेंगे डार्क ग्रीन वाटर में। अभी थोड़ा गीला है, ये वेट है, तो आप ऐड कर सकते हैं कलर, तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा इसमें। अब ये एरिया हम ड्राई होने का वेट करते हैं। हम बोट में कलर करेंगे, बोट में आपको वन लाइन देनी है ग्रीन की, आप ऐसे डार्क ग्रीन की लाइन देंगे, पूरी बोट में कलर नहीं करेंगे, डार्क ग्रीन वन लाइन आप रेड कलर की करेंगे। करना है बोट में कलर, ऐसा आप लाइट ब्लू से हल्का सा शेड दे देंगे। यहाँ पे आप ब्राउन कलर ऐड करेंगे, फर्स्ट आप लाइट ब्राउन कलर करेंगे, देन आप थोड़ा डार्क उसमें टोन देंगे। लाइट ब्राउन कलर ऐड कर रही हूँ, इसकी भी सेम शेडो आपको वाटर में नजर आएगी, तो हम थोड़ा ब्राउन कलर से स्प्रेड कर देते हैं।
ड्राई हो गए हैं तो ट्री में हम थोड़ा येलो एंड ऑरेंज का शेप देंगे, थोड़ा डार्क करेंगे अपने एरिया। ब्रश के स्ट्रोक्स लगाएंगे आप ग्रास का लुक देने के लिए, तो हम डार्क ब्लू कलर से ऐसे ब्रश के स्ट्रोक्स लगाएंगे। कलर ऐड करेंगे हम वाटर एंड वाटर को थोड़ा अलग करने के लिए, तो हम ब्लैक कलर ऐड कर रहे हैं, एक लाइन देंगे और हम इसे मिक्स कर देते हैं। इसको ऐसे ग्रास में मिक्स कर सकते हो, ये लाइन एक प्रॉपर लाइन ना नजर आए। डार्क ब्राउन से शेप देंगे, वन साइड शेप देंगे आप। ट्रीज हमारे थोड़े ड्राई हो गए, उनकी ट्री की ब्रांचेस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक फाइन ब्रश का यूज करना है। आप ऐसे ट्री की ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे। बहुत हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ करेंगे आप, और पीछे भी बैक साइड में भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीज हैं, तो आप उनकी भी ऐसे लाइट लाइट ब्रांचेस आप ऐसे शो कर सकते हैं। आउटलाइन करेंगे हम, आउटलाइन के लिए ब्लैक कलर का यूज करेंगे। बूट की आउटलाइन करेंगे, आपको पूरी आउटलाइन नहीं करनी है।
बोट की जो शेडो है वो पानी में आएगी, तो हम थोड़ा ग्रीन कलर का यूज करेंगे। थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे। Now my picture is complete.